सर्विस सेक्टर की कंपनियों में आई कमजोरी के कारण भारतीय बाजार आज दिन भर दबाव में रहा। इस बीच विदेशी बाजारों से मिले कमजोर संकेतों ने शेयर बाजार में नकारात्मक धारणा को ही मजबूत किया, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 79 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 13 अंक टूट गया। सेंसेक्स में बड़ी कंपनियों की अपेक्षा छोटी कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा रहा। डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा की मजबूती के संकेतों से सेंसेक्स 20 अंकों की बढ़त के साथ 35,258 अंक पर खुला। शुरुआती कारोबार में यह दिन के उच्चतम स्तर 35,287 तक पहुंच गया, लेकिन फिर सेवा क्षेत्र की कंपनियों के कमजोर प्रदर्शन से बाजार में गिरावट शुरू हो गई। कारोबार के पहले ही सत्र में सेंसेक्स ने दिन के निचले स्तर 35,011 अंक को छुआ। इसके बाद इसमें कुछ सुधार हुआ। बाजार आज सीमित दायरे में घूमता रहा और शाम के समय इसमें थोड़ी गिरावट आई। सेंसेक्स आज कल के मुकाबले 79 अंकों की गिरावट के साथ 35,159 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की 30 में से 17 कंपनियां हरे निशान में और शेष 13 लाल निशान में रहीं। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारतीय एयरटेल को रेटिंग घटाने की समीक्षा सूची में रखा है, जिससे आज सेंसेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन इसी का रहा। इसके शेयर 2.45% तक लुढ़क गए। बड़ी कंपनियों की तुलना में छोटी और मझोली कंपनियों में तेजी देखी गई। BSE का मिड कैप 97 अंक की तेजी के साथ 14,944 अंक और स्मॉल कैप 85 अंक की बढ़त के साथ 14,672 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की तरह निफ्टी भी तेजी के साथ 10,615 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान यह 10,620 अंक के दिन के उच्चतम और 10,545 अंक के दिन के निचले स्तर से होता हुआ कल की तुलना में 13 अंकों की गिरावट के साथ 10,585 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी की 50 में से 22 कंपनियां गिरावट में रहीं, जबकि 28 में तेजी रही। विदेशी बाजारों में गिरावट का रुख रहा। यूरोपीय बाजार में ब्रिटेन का FTSE 0.55 और जर्मनी का डेक्स 0.40% की गिरावट में रहा। एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंगशेंग 2.39, चीन का शंघाई कंपोजिट 1.39, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.31 और जापान का निक्की 1.05% की गिरावट में बंद हुआ। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।